कैश ट्रांसफर अभी करोड़ों परिवार के लिए तुरंत राहत की जरूरत है। ये नहीं दो महीने बाद क्या होगा, तीन महीने बाद क्या होगा, प्राथमिकता आज की है। कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा। तो इस संदर्भ में हमारा ये मानना है कि हरेक जनधन खाते में 7,500 रुपया तुरंत डिपॉजिट होना चाहिए, हरेक जनधन खाते में। अब तक सिर्फ 500 रुपया महिलाओं के नाम में दिया गया है, पर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग आज हम कर रहे हैं, और ये बात हमारी बातचीत में भी उभर कर आई कि हरेक जनधन खाते में 7,500 रुपये का कैश ट्रांसफर तुरंत होना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय में 3 पेंशन के परियोजनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए और विधवाओं के लिए। और कांग्रेस पार्टी का की एक मांग है कि इन पेंशन खाते में, विधवाओं के पेंशन के खाते में, विकलांगों के पेंशन के खाते में और बुजुर्गों के पेंशन के खाते में 7,500 रुपया जाना जरूरी है। जो पीएम किसान परियोजना है, इनमें 2,000 रुपया भेजा गया है केंद्र सरकार की ओर से। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जैसे कि जनधन और पेंशन के खाते में 7,500 रुपया इमीडिएटली तुरंत डिपॉजिट होने की जरूरत है, इसी तरह पीएम किसान खाते में भी 7,500 रुपया भेजना जरूरी है।